एमएलए जिहड़े मान साहब ने कहा सी असीं 92 नगीने चुन के आए हाँ, वह नगीने जो एक नगीना उड़ गया, एक नू सीबीआई रेड करता, एक नू सज़ा हो गई, नगीने तो घटते जा रहे हैं। कांग्रेस की गल की जाए वह किस नज़र न देख रही? असी बिल्कुल उन्होंने जी पिछे की मंशा है असी उन्होंने देखते हैं और वो मंशा नू लोगों के सामने लैके भी जावांगे। जिहड़ी पार्टी अज राज आई है उसकी बुनियाद ही करप्शन है। टिकटां वंडियां गई बड़े वड्डे पैमाने ते पंजाब विच रौला पिया किस तरीके टिकट आम आदमी पार्टी की वंडी गई। असी लोगों नू जगांदे जाना है कि इहदी पिछली मंशा वेखो, इस तो बाद अगे की होना है वह तुसी देखियो भी इहदे च उन्होंने ब्रांडिंग करनी है, उन्होंने लोगों का मुद्दों तो ध्यान हटाना है। अज लुधियाने च डबल मर्डर एक होर होया पिया, सरकार नू उन्ने दिन नहीं होए उस तो दुगने मर्डर हो चुके हैं। बदनाम किने किनू किया? सो ये फैसला लोगों के विच है। ये विजय सिंगला जी देखण, अगर उन्होंने खिलाफ साजिश हुई है तो विदिन पार्टी है, अगर बदनाम किया गया तो पार्टी के अंदर ही किया गया। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सर, दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके दे नाल कल मनमान सरकार वालों एक वड्डा फैसला जिस तरीके दे नाल लिता गया, कल एक वड्डा जिहड़ा कि पूरे तरीके दे नाल एक वड्डा कहा जा सकता है कि पूरी एक बहुत वड्डी डिसीजन कह सकते हैं इसनूं, या फिर एक वड्डा एक्शन जिहड़ा लिता गया है, उस तो बाद सरगर्मियां राजनीति दे विच लगातार वध रही ने। साडे नाल इस वेले गल करन दे लई आशू सर मौजूद है, कांग्रेस के वर्किंग प्रेजीडेंट है। सर, बहुत वड्डा एक एक्शन मोड दे विच देखा जा रहा है, सरकार दे अपने ही नुमाइंदे वाहवाही जरूर कर रहे हैं, विरोधी धर विच तुसी हो, किवें देखदे हो इस फैसले? इस फैसले नूं पहलां तां एक पहले तुसी देखो तां इह फेस ऑफ इट ऐं लगता बहुत वधिया फैसला आ, बहुत हिम्मत वाला फैसला आ, ते इहदी शलाघा करनी बनती है। पर नाल दी नाल जदों तुसी पड़चोल करदे हो इहदे पिछे की है, तो उस तो बाद चीज़ां समझ आ जांदियां। जिस तरीके सभा दो महीने ढाई महीने की कार गुजारी है, उहदे च इह सरकार एक्सपोज होंदी जा रही है। हर MLA जिहड़े मान साहब ने कहा सी असीं 92 नगीने चुन के आए हाँ, वह नगीने जो एक नगीना उड़ गया, एक नू CBI रेड करता, एक नू सज़ा हो गई, नगीने तो घटते जा रहे हैं। तो जे तुसी डिस्ट्रिक्ट लैवल ते कंस्टिट्यूएंसी लैवल ते जाके देखो तो जो उन्होंने MLA पैटी करप्शन च पए हुए हैं, तो थोनू नगीने पता चल। ये सारिया चीज़ों तो एक ध्यान हटाने की या अगे इलैक्शन आन जा रहे हैं वो मार्केटिंग ते अपने आप में किस तरीके प्रेजेंट करना है वो वास्ते एक हो सकती है। पर हाँ, एकोदम पंजाब की जनता को यह लगता है भी बड़ा दलेराना फैसला है। कांग्रेस किवें इस फैसले को देखती है? पंजाब की जनता तुसी गल की कि पंजाब की जनता लिए बहुत बड़ा दलेर वाला फैसला पंजाब की जनता जरूर दिख रही है, देख रही है इसनों, लेकिन अगर कांग्रेस की गल की जाए वो किस नज़र न देख रही है? असी बिल्कुल उन्होंने जी पिछे की मंशा है असी उन्होंने देखते हैं और वो मंशा नू लोगों के सामने लैके भी जावांगे। वैसे तो साडा यही सोच सी बई हले लोगों ने इन्हों मैंडेट दिता है किस तरीके काम करने हैं, इन्हों वक्त दिता जाए, पर चीज़ा इन्नी तेज़ी नाल शेप लेंदियां जा रही हैं भी तुसी बोलन ते मजबूर हो रहे हो। लोग तो कितने ना कितने चाहते हले भी इन्हों मौका दो, असी देना चाहते हैं, पर आह जी चीज़ा जो करते हैं और किस मंशा नाल करते हैं, क्योंकि हज़ारा उन्होंने MLAs बारे क्लिप्स तो वह इन्हों को पहुँचे हुए हैं, क्यों नहीं किसी ने एक्सपोज किया? एक स्पेशली एक बंदे नू क्या वो संगरूर इलैक्शन नू मद्देनज़र रख के किया जा रहा, जा हिमाचल और गुजरात के इलैक्शनों मद्देनज़र रख के अपनी पार्टी की ब्रांडिंग करने वास्ते एक एफर्ट है। पर जो भी है हाल की कड़ी पब्लिक नू यह लगता भी बड़ा यह दलेर फैसला आ, असी भी इनू एप्रीशिएट करते हैं। नाल दी नाल मान साहब तो यह डिमांड भी करते हैं भी जिहड़ी पार्टी अज राज आई है उसकी बुनियाद ही करप्शन है। टिकटां वंडियां गई बड़े वड्डे पैमाने ते पंजाब विच रौला पिया किस तरीके टिकट आम आदमी पार्टी की वंडी गई, राज्यसभा के मैंबर बनाए जाते हैं उन्हां दी चोण किस तरीके हुंदी है, पंजाब हरेक एक एक पंजाबी दे मन च गल बैठी और उन्होंने इस गल नूं निंदिया भी किस तरीके राज्यसभा भेज दी है, जदों कि पंजाब की नुमाइंदगी होनी चाहिए सी अपर हाउस च, उत्थे पंजाब की कोई नुमाइंदगी नहीं। जिन्हां नूं तुसी बनाया है, तुसी वजीर किस तरीके लैने हो, तुसी चेयरमैनियां किस तरीके बनानी है, मार्केट दे विच सब अवेलेबल है, कोई पार्टी वलंटियर कुछ उहदे च माना नहीं रखता, जिन्हें बोली लगाई उन्हें मिलना है, ये सब नूं पता है। तो एडियां गल्लां जदों होण ते असी जदों ईमानदारी की गल करिए ना थोड़ी हासोहीणी लगती है।
तो सो यही गल आ भी हौली हौली पंजाब की जनता जिमें जिमें जानती जाएगी मोह भंग होंदा जाएगा। असी तो बिल्कुल विसल ब्लोअर हाँ, असी लोगों नू जगांदे जाना है भी इहदी पिछली मंशा वेखो, इस तो बाद अगे की होना है वह तुसी देखियो। ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਆ ਮਨਸ਼ਾ ਸਮਝਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੱਕ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੋਰਵੈਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ ਹੁਣੀ ਕੁਛ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿ ਜਸਟ ਆਈ ਵੋਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਆ ਦੇਖਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਗਏ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਗਈ, ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੇਖਣ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦ ਇਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, UPA 'ਚ ਇੱਥੇ ਡੀ ਰਾਜਾ ਕਨੀਮੋਜੀ ਸਾਰੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁਲਾਟੀਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੂ ਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।